इंदौर में पिछले दिनों ड्यूटी के दौरान अचानक से स्वास्थ्य खराब होने के बाद घर पहुंचे एक आरक्षक की हार्ट अटैक से मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद अब जोन 4 में थाने स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित कर पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य का प्रशिक्षण किया जा रहा है, जिसमें से अधिकांश हाई बीपी के शिकार सामने आ रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर पुलिस की स्वास्थ्य की रोजाना की दिनचर्या और ड्यूटी के दौरान खान पान का रूटीन न बनने के कारण कई पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य में कई तरह के बदलाव देखे जा रहे हैं। और इसी के चलते पिछले दिनों एक आरक्षक की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। उसी के बाद में डीसीपी ऋषिकेश मीणा के निर्देशन पर निजी हॉस्पिटल और अन्य संस्थानों से संपर्क कर प्रत्येक थाने पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पुलिस कर्मियों के स्वास्थ्य के ब्लड प्रेशर, बीपी सहित अन्य जांच करवाई जा रही है। लेकिन इनमें से कई पुलिस कर्मी हाई बीपी के शिकार होने के साथ ही शुगर से पीड़ित सामने आए हैं और डॉक्टरों की सलाह पर अपने दिनचर्या बदलने के निर्देश दिए हैं, ताकि समय पर भोजन और पर्याप्त नींद से इन बीमारियों से बचा जा सकता है। विगत दिनों रावजी बाजार थाने के एक आरक्षक की असामयिक मृत्यु हुई थी, जिसमें ये पोस्टमार्टम के बाद ये पता चला कि वो हृदय रोग से संबंधित उसको बीमारी थी और 50% ब्लॉकेज थे, लेकिन वो कभी उसको पता नहीं लगाया क्योंकि टेस्ट नहीं किए थे। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे डीसीपी सर श्री डॉक्टर ऋषिकेश मीणा जी ने एक अभियान चलाया है, जिसमें थानों पर सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था विभिन्न अस्पतालों से बातचीत करके की है। उसी क्रम में कल रावजी बाजार थाना क्षेत्र में कैंप आयोजित किया गया था, जिसमें कर्मचारियों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया गया, और उस परीक्षण में मुख्य रूप से ब्लड और यूरिन से संबंधित सारे टेस्ट परीक्षण, अन्य जो किसी को अगर इस पर से कोई सामयिक चीजें मिलती हैं तो उनके फिर अगल गहन परीक्षण की भी व्यवस्था की गई है। टोटल कितने पुलिस कर्मियों का परीक्षण हुआ और कितनी किस तरह की बीमारी अभी तक सामने आई? लगभग 50 से अधिक कर्मचारियों का परीक्षण रावजी बाजार में कल किया गया था। उसमें काफी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत जो है वो पाई गई है, तो उसमें उनका पुनः एक कुछ दवाई देने के बाद में कुछ दिनों बाद के पुनः परीक्षण किया जाएगा। उनकी दिनचर्या में भी परिवर्तन करने के लिए जो डॉक्टर थे मौजूद, उन्होंने सलाह दी है, और आगे जो उनके टेस्ट होना है उसके लिए भी वो एप्पल हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट किया है, तो वो वहाँ पे जाके फर्दर जांच कराएंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत आई, उनकी उम्र कितनी होगी और किस तरह की ये फील्ड में तैनात रहते हैं? ये जो हैं लगभग 40 से 48 की उम्र के बीच के लोग अधिकांश हैं, जिनको कि कुछ लोगों को उसमें से पाई गई है ऐसी हाई बीपी की शिकायत। तो खान पान की व्यवस्था और जो ड्यूटी के समय है, सभी चीजों का मिला जुला कुछ असर है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना था। तो दिनचर्या में सुधार करना, व्यायाम को शामिल करना, इन सब चीजों के लिए उन्होंने उनको सलाह दी है और आवश्यक दवाएं भी दी हैं, जिनका सेवन वो समय समय पर करते रहें, ऐसे संदेश दिए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।